नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फाउंटेन पेन्स रिव्यू चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम एक पेन की अनबॉक्स करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा सैनिटाइज कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी हाथों को ये छू के आया है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हर एक कॉर्नर को थोड़ा सा सैनिटाइज कर लूँ, ताकि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह इससे स्प्रेड ना हो पाए। तो दोस्तों, आप भी कर लीजिएगा कोई पार्सल को जब रिसीव करते हैं तो चलिए, और देर किस बात की, अब इसको खोल के देखते हैं। तो ये मैंने इसको काट दिया। तो ये जो पेन है, जी हाँ, इसकी और दो वर्शन मेरे पास है, एक एक्स्ट्रा फाइन और एक फाइन नेब वर्शन। जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते होंगे, वो लोग शायद इसको गैस कर चुके होंगे वो कौन सा पेन है। तो इसकी रेट है 350 रुपीज़। क्या आप गैस कर सकते हैं? 350 रुपीज़, 35 रुपीज़ का मैंने इसका शिपिंग चार्ज दिया है। और इसकी फाइन निब और एक्स्ट्रा फाइन निब मेरे पास था, तो ये इसका मीडियम निब का जो वर्शन है 0.5 का, वो मैंने इसमें आज मैंने इसको ख़रीद लिया। और ये मेरी जो एक जोड़ है वहाँ पर, मेरी इस कलेक्शन पर एक नया पेन जुड़ गया है। तो ये है प्रीपी फाउंटेन पेन, और ये 5 mm की, 0.5 mm की जो निब है वो है, यानी मीडियम निब वाला पेन है ये प्रीपी फाउंटेन पेन का। और सबसे जो अच्छी बात है कि एक बहुत ही सुंदर एक बॉक्स में ये आता है, अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। ये पेन मेड इन जापान है, और हम बाद में इसकी राइटिंग इम्प्रेशंस देखेंगे कि कैसा लिखता है, और देखते हैं। साथ में ये एक लीफलेट है, और ये शायद, हाँ, ये बिल वगैरह है जिसमें आप देख सकते हैं इसकी जो कुल कीमत है 350 रुपीज़ इसका पेन की दाम, साथ में 35 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस। तो बस यही है, इसको रख देते हैं। और ये क्या है? अच्छा, इसमें दिया गया है प्लैटिनम की जो म्यूज़िक वाली पेन है उसकी एक जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट है इसमें, और कुछ नहीं। ये पेन भी देखने काफ़ी सुंदर है, फ्यूचर में इसको भी मैं लेने वाला हूँ। तो चलिए, हम प्रीपी फाउंटेन पेन 0.5 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बाकी जो दो पेन मेरे पास है, उस दो पेन को। तो ये है 0.2 और 0.3 का फाइन और एक्स्ट्रा फाइन जो निब्स है, ये दो पेन है। फोकसिंग का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ये 0.3 और ये 0.2 का जो पेन था, ये दो पेन देख सकते हैं। और साथ में आज जो आया है ये 0.5 वर्शन। तो मेरे पास 0.2, 0.3 और 0.5, ये तीनों वर्शन मेरे पास आ गए हैं। तो अभी देखते हैं तीनों की जो निब्स है वो कैसा दिखाई देता है, वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के ऊपर हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। हालांकि बिल्ड क्वालिटी अच्छा होता है, प्लास्टिक का बॉडी होने से भी प्लास्टिक जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है प्रीपी फाउंटेन पेन की। हर एक पेन का बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। हालांकि मुझे थोड़ा सा इश्यूज था मेरा 0.3 mm को लेके, थोड़ा सा जो राइटिंग्स है वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। थोड़ा जो लिखने का टाइम पर जो एक फ्रिक्शन होती है कागज़ और निब के बीच में, वो फीलिंग मुझे अच्छा नहीं लगता था, जिसके कारण मैं 0.3 का थोड़ा कम यूज़ करता था। इसलिए सोचा कि 0.5 को एक बार मैं खरीद कर देखता हूँ कि उसमें मुझे कैसा महसूस होता है। तो हालांकि अभी तक इसको मैंने फीलिंग नहीं किया, फीलिंग करके इसके राइटिंग इंप्रेशंस को लेके एक दूसरा वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो अभी एक बार देखते हैं। तो इसकी जो निब में जो डिफरेंसेस है वो पता नहीं आपको कितने आपको दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, लेकिन नेकेड आई से जब मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आगे के वीडियोस में मैं इसकी निब के बारे में बताऊंगा, लिखने में कैसा लगेगा उसको लेकर नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो ये देखिए बेसिक डिफरेंस निब की जो साइजेस है, ये देखिए, ये मीडियम निब, ये 0.3 और ये 0.2। तो डिफरेंसेस आपको पता चल गए होंगे, काफ़ी मोटा है 0.5 वाला। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टाटा।